अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये है मेरा रूम। वाओ यार दी, वाओ। ओए सिर्फ तेरा नहीं, जीजू का भी रूम है। मेरा मतलब तुम दोनों का रूम है। मेरा मतलब भी वही था, हम दोनों का रूम है। सही है यार दी, तेरा तो ऐश है तेरे तो। मेरा मतलब क्या आलीशान रूम है यार दी, यहाँ पे आती है ऐसे रोमांस का मन। मेरा मतलब रूम में आती एकदम अच्छा फील होता होगा ना, एकदम फ्रेश। और सुन, जब भी मैं यहाँ पे आऊँ ना, मुझे अपने साथ यहीं पे रखना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, तेरी छोटी बहन हूँ ना, अभी कबाब में हड्डी बनने देना मुझे। वाओ दीदी, ये जिराफ कितना सही है। माँ आप आओ ना, बैठो यहाँ पे। ये मोनिशा यहाँ क्यों है खुशी? मतलब यही उसका अपना घर होगा, वो यहाँ क्यों रह रही है, यहाँ रहने का क्या मतलब है? वो तो यहाँ ऐसे ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, दूसरी लड़की का आसपास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को सब कैसे पता चल जाता है, और एकदम सही पता चलता है। ये ले पानी, इतना खास वास मत, बीमार पड़ जाएगी। अरे अभी तो हनीमून पे भी जाना है। पूर्वी, सही कहते हैं लोग कि औरतों का सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हम चीजें महसूस करते हैं, हमें वाइब फील होती है, हमें दिखता है, हम सोचते हैं। आई एम सॉरी पर ये जो मोनिशा है ना, मुझे उसकी वाइब कुछ ठीक नहीं लगी, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं। माँ ऐसा कुछ नहीं है, सच में आप इतना क्यों सोच रहे हो? तो बस ऐसी है यहाँ पे, ऐसी सच्ची। हाँ मतलब ऐसा नहीं है जैसा आप सोच। मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। तुझे क्या लगता है क्या सोच रही हूँ? हम मतलब ये कि वो यहाँ है, फैमिली में, इस घर में है, तो शायद मेरी इम्पोर्टेंस मेरी जगह वो शेयर करेगी। हाँ ऐसा कुछ नहीं है सच में। तू ना बहुत भोली है, तेरा दिल अच्छा है ना, तुझे लगता है सब अच्छे हैं, सब ऐसे ही है। नहीं अच्छी बात है ऐसा सोचना, पर कभी कभी चीजें सामने होती है, तू देखना ही नहीं चाहती। तू देखती भी है पर तुझे समझ नहीं आती। सर हाँ, केकी सर का कॉल है, बहुत दिनों बाद कॉल करे, मैं उठा बात कर ली। मुझे नहीं बात करनी आपसे। बिल्कुल मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें कोई बात है? ना मैंने तुम्हें फोन किया, ना मैंने तुमसे तुम्हारे हाल चाल पूछे, और स्पेशली उस लड़की से नहीं पूछे जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ। अच्छा जी, जो मैं कहने वाली थी वही आप कह रहे हो। हाँ अब तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो कम से कम मुझे तो करनी पड़ेगी ना, इससे पहले तुम मुझे डांटो कुछ बोलो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया, मैंने तुम्हारे हाल चाल नहीं पूछा, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन हाँ आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कैसी हो? नया घर कैसा है, नए लोग कैसे हैं, ससुराल कैसा है? तुम्हारे साथ सब अच्छे हैं ना? मेरे साथ सब अच्छे हैं, स्पेशली मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं। भगवान का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। बस ऐसे ही खुश रहना, मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ पे भी सुख मिलेगा, और तुम्हें अपने हम सफर के साथ भी सुख मिलेगा। तुम खुश हो ना? खुश? हाँ बहुत खुश हूँ मैं। अगर रणधीर होता तो पूर्वी से ऐसे ही बात करता, पिता होने के नाते पता करता अपनी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं है, सब ठीक है या नहीं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुश रहो, और कोई चीज मेरे लिए सच बताऊं तो मैटर नहीं करती। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी खुशी को कोई थोड़ा सा भी कम करे ना तो मुझे बता सकते हो। कोई ऐसा इंसान है जिसकी कंप्लेंट तुम्हें मुझसे करनी है तो तुम मुझसे कर सकते हो, मैं उसको सीधा कर दूंगा। और स्पेशली अगर आरवी के बारे में कोई कंप्लेंट करनी है तो टेल मी, मैं उसको भी सीधा कर सकता हूँ। नहीं कोई शिकायत नहीं मुझे, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। पक्का किसी को सीधा नहीं करना है ना? नहीं किसी को सीधा नहीं करना। वैसे जो तुम हनीमून पे जा रही हो, तुम्हें वो जगह पसंद है या फिर मैं कुछ बदलाव करूँ उसमें? तुम चाहती हो मैं किसी और डेस्टिनेशन पे तुम्हें भेज दूँ? एक मिनट, आपको कैसे पता मैं हनीमून पर जा रही हूँ? कहा था ना सिर्फ बेटी बोलता नहीं, बेटी मानता भी हूँ। नहीं सब ठीक है, मैं खुश हूँ, कुछ चेंज नहीं करवाना, मुझे जगह भी बहुत पसंद है। मतलब मैं तो ना बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, और वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत केयर कर रहा है मेरी। इनफैक्ट वहाँ इतनी ठंड है तो मुझे कह रहा था सर्दी के कपड़े रख लेना, ये रख लेना, वो रख लेना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम दोनों। Thank you.
अभी भी नहीं उठा रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये के मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। थैंक यू। अरे भाई तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं चाहता हूँ तड़पे और ज्यादा तड़पे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड है हनीमून पर जाने के लिए और वो उसको रोक रहा है। नो इट्स नॉट डन, आई डोंट लाइक इट। अभी से उसको बांधने की कोशिश कर रहा है, अभी से उस पर हक जता रहा है। और मेरे होते हुए मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अरे तुम तो ऐसे कह रहे होते, पूर्वी सच में तुम्हारी बेटी है। सच में पूर्वी मेरी बेटी जैसी है। हाँ याद है, बताया था तुमने, मगर इस लेवल तक? You know what? I like you, dude. और ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये सबको पता है कि वो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन ये नहीं है, आई थिंक ये काफी तड़प गया। अब तुम इससे बात करो और इसको ये बोलो कि मैं इसके साथ मीटिंग नहीं करना चाहता, मैं मीटिंग करना चाहता हूँ इसके बड़े भाई के साथ। ओके डॉक्टर। हेलो मिस्टर केके। मैं केके नहीं, केके का मैनेजर बोल रहा हूँ। तो मिस्टर केके से मेरी बात कर रही है, मुझे बात करनी है उनसे। मिस्टर केके वेकेशन पे गए हुए थे, अभी वापस आए, थोड़े बिजी चल रहे हैं। उनके बिहाफ पे मैं उनकी कॉल उठा रहा हूँ, बताइए क्या बात करनी है। कल मेरी मीटिंग होने वाली थी उनसे और उन्होंने खुद कहा था, प्रॉमिस किया था मुझसे, लेकिन अब उनके ऑफिस से फोन आ रहा है और कह रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं। बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं तुम्हारे साथ मीटिंग करना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली तुम्हारे बड़े भाई पे बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए। हेलो क्या हुआ? तुमने इतना गंदा चेहरा क्यों बना लिया? आई विश मैं देख पाता। सो या मीटिंग कैंसिल, थैंक यू सो मच। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। बिल्कुल किया था, पर तुम मेरे बेटे तो हो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सारे प्रॉमिस निभाऊंगा। राइट वादा दिया था, वादा तोड़ दिया, क्योंकि मुझे मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है। हनीमून पे जाएगी, उसे खुशियां मिलेंगी, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, थैंक यू, बाय। आरवी पे नजर रखनी पड़ेगी। लेट्स गेट एट इट। वेट व्हाट? उनकी बेटी कौन है और तुम्हारे हनीमून पे जाने से उनको कौन सी खुशी मिलेगी? व्हाट इज दिस? माँ जा रही है, तुम मिलोगे नहीं उनसे? आशीर्वाद नहीं लोगे? अरे नहीं नहीं, बस खुश रहो। वैसे वादा याद है ना जो तुमने किया था? खुश रहोगे और दोनों एक साथ रहोगे हमेशा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।